वाणिज्य कर विभाग के टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि ने एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाष शंकर पाचक व महामंत्री मानवेंद्र सिंह सहित सभी पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र दिया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी ने बताया कि टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामना देता हूं। सभी नव निर्वाचित पदाधिकारी अधिवक्ताओं के समस्याओं के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, उनकी समस्याओं को हल करेंगे। वहीं इस संबंध में टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष प्रभाष शंकर पाचक ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जो हमारी नई कार्यकारिणी है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बताया कि जो नई कार्यकारिणी है वह पूरे साल से सही ढंग से कार्य करते रहें और एसोसिएशन को और आगे तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वाणिज्य कर टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के नव निर्वाचित महामंत्री मानवेंद्र पाठक व अध्यक्ष प्रभाष शंकर पाठक तथा उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा। मानवेंद्र सिंह, इस उम्र में भी हमारे हर समस्याओं को, हमारे कर अधिवक्ताओं की हर समस्याओं को, बार काउंसिल, आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, क्रमबद्ध तरीके से कम एक स्थान पर बैठ जाएं, होता है। अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो घर परिवार से लेकर देश काल तक यह आपको अच्छे परिणाम नहीं दे सकती। मुख्य अतिथि महोदय को बैज लगाएं और उनका स्वागत करें और उनका अभिनंदन करें। भाई ब्रजन सिंह, वरिष्ठ कार्यकर्ता, यह एक मंची डेकोरम है जिसको विजय कुमार पांडे सदस्य हैं और नमनकर, इसके बाद इनको हम लोग ओल्ड इज डायमंड कहते हैं। ये जो परंपरा बनाई गई है माननीय वीरेंद्र सिंह जी, मारुति पांडे विशिष्ट अतिथि, कर अधिवक्ता संगठन के इतिहास अब्बासी, ये रही दीप सिखा जाती है, दीप या दिया, या तो नियमित आज सत्र 2022-23 की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण का यह अवसर है। विवेक, पेपर काफी भेजवा दो, ऊपर भी ना होते। और इस अवसर पर हम सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत और सम्मान करते हैं। परम पिता को साक्षी मानकर सत्य निष्ठा पूर्वक यह शपथ लेता हूँ कि टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के संविधान की गरिमा को अक्षुण बढ़ाए रखूंगा, अधिवक्ता हित के लिए निरंतर संघर्षशील रहकर बात कार्यों को न्याय दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। साथ ही साथ यह भी शपथ लेता हूँ कि कोई ऐसा कृत्य या आचरण नहीं प्रस्तुत करूँगा जो न्याय हित व विधि व्यवसाय की मर्यादा को विपरीत। धन्यवाद। सभी शाहरुख सब लोग ले लें हाथ में और ग्रहण करें। पिता को साक्षी मानकर सत्य निष्ठा पूर्वक ये शपथ लेता हूँ कि टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के संविधान की गरिमा को अक्षुण बनाए रखूंगा, अधिवक्ता हित के लिए निरंतर संघर्षशील रहकर वाद कार्यों को न्याय दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। साथ ही साथ
ये भी शपथ लेता हूँ कि कोई ऐसा कृत्य या आचरण नहीं प्रस्तुत करूंगा जो न्याय हित विध व्यवसाय की मर्यादा के विपरीत हो। मानेंद्र सिंह महामंत्री, यह शपथ ग्रहण समारोह है सत्र 22-23 टेक्स एडुकेशन गोरखपुर। हम लोग निर्वाचित हुए हैं, आप अध्यक्ष जी हमारे और मैं महामंत्री मानेंद्र सिंह और कार्यकारिणी हमारी बीस की कार्यकारिणी सबको हमारे एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन श्री बीएन गुप्ता जी ने आज इसी का उसी सम्मान सारे कार्यकारिणी सदस्यों का और हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह है और सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये निर्वाचित हुए हैं, इसी के ऊपर यह कार्यक्रम रखा गया। मैं प्रभा शंकर पाठक अध्यक्ष नवनिर्वाचित टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन गोरखपुर का सत्र 22-23 के लिए हुआ हूँ। हमारे साथ खड़े हैं मनविंदर सिंह, ये महामंत्री के लिए निर्वाचित घोषित किए गए हैं। आज हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह है और हमारे समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री मसूदन त्रिपाठी जी आ रहे हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन के अध्यक्ष श्री बिक्रमजीत सिंह भदौरिया जी आ रहे हैं, माननीय एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन साहब और मुंडा टिंगल हमारे विशेष अतिथि होंगे। आज का ये कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और सभी को नई जो भी हमारी कार्यकारिणी है उस सबको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। वो पूरे साल अनवरत इसी रूप से मेहनत से काम करते रहें और इस बार को आगे तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, धन्यवाद। आज नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है सेंट लुइस में। सभी लोगों को जो नवनिर्वाचित हुए हैं उनका आशीर्वाद देता हूँ, उनकी कामना पूरा करने के लिए कहता हूँ कि वो अधिवक्ताओं और उनके मान प्रतिष्ठा की जो भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, मान मर्यादा